सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ब्लेसिंग। स्टॉक को स्टार्ट करते हैं और अभी लगभग शाम का टाइम हो रहा है। यस और अभी हम करने वाले हैं Q&A वीडियो शूट। तो पहले वीडियो शूट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी में आकाश नहीं करेगा मेरे साथ, तो मैं इसी के अंदर ही करना पड़ेगा। तो अभी हम अंदर चलते हैं क्योंकि गर्मी में से बर्दाश्त से बाहर हो गया। और आकाश ने पूरा देखना सेट कर दिया, पूरा रूम अच्छे तरीके से झाड़ झूड़ के ना पूरा सेट कर दिया। चलो अब जल्दी से हम शूट कर लेते हैं। मैं वो टेबल लेकर आती हूं, लगा के रखना ना। लेट्स गो, लेट्स गो। हेलो तंता, ये देखो लड़की की मेहनत। क्यों रहने के लिए ऐसे मेहनत होती है? क्योंकि वो चाहिए ना इसमें लगाने के। लाइट सामने से लाइट आ रही है ना, इसमें से आ जाएगी सन लाइट आएगी। अब ठीक है, अब क्या कर रहे हैं तुम? गर्मी में लग करोगे नहीं ना, इसको सही कर लो। ये मेरे पेट छुपाने के काम आएगा आगे लगने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी कर लो बस। कैमरा लगाना, आ जाओ। की मैंने वीडियो बन रही है, देख रहे हो भाई? ऐसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं हम अपने वीडियो शूट। लोग पूछ रहे हैं कैसे करते हैं, कुछ बताया करो। तो मैं ऐसे करते हैं, हमें स्टैंड बनाना पड़ता है पहले आगे कुछ अच्छी तरह से। ट्राइपॉड पता है अभी हम पता है ट्राइपॉड इसलिए ले रहे क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मतलब एक जगह पे कुछ अरे मेरे को लगा फैन गंदा है, थोड़ा गंदा है यहाँ पर और यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग उधर एक होल्डर है ना, यहाँ पे येलो जो वार्म लाइट नहीं होती वो मस्त लगती है मेरे को। और पूरे घर में लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा सेटअप बना के उधर उधर किचन में भी इधर मस्त चलती वाली। हाँ ये नहीं चलती, ओ ये नहीं चलती, इसमें नहीं 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 शायद इसका बल्ब बल्ब गया है। हाँ चलो बना लेते, फिर धूप धूप चली जाएगी। अभी वीडियो बनी है Q&A वाली, उसके चक्कर में सब चीज समेटी, वो भी किसने? मैंने समेटी है। सफाई आकाश ने करी है। अब मैं जो यहाँ से रखना पता वो मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारी महाराज आपकी जय हो। बोलो पहले ये बोलो महाराज आपकी जय हो। महाराज आपकी जय हो। ओह नो, क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे ऐसे अनहोनी हो जाती भाई साहब, बच के रहना चाहिए लड़की से। ये टेबल शीशे मार देती है, शीशा टेबल में कुछ भी कर सकती है, इसका कुछ भरोसा नहीं। और यार एक और चीज, प्रिया जा रही है यार अब इतने 10 दिन के लिए। आज पता है वैसे प्रिया जाने वाली थी आज सुबह, मतलब आज ही जाने वाली थी, तो मैंने इसको रोक लिया। मतलब कैसे, पहले मैंने बोला कि तुम चले जाओ, फिर इसने बोला कि ठीक है, फिर सुबह छाई की कॉल वॉल आएगी तू आ जाइए। वो मेरे को कुछ वो नहीं था, चलो ठीक है प्रिया जा रही है आज। उसके बाद प्रिया ने 12 बजे मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं कि 12 बजे मेरे को बोला कि ये क्या कर रहे प्रिया ने मेरे को 12 बजे बोला कि 2 घंटे में निकल जाऊंगी। तो मेरे को ना धक्का सा लग गया, मैं यार आज रहने दो तुम, कल वैसे भी कल निकलोगे, आज रहने दो। मैंने भाई साहब उसको रोक लिया जबरदस्ती, फिर क्या अब लड़की यहीं पे अब कर जाएगी। सही है, बढ़िया है, घूम के आओ लद्दाख। वो नहीं हो तो पति को छोड़ के जाएंगे ऐसे कर। नहीं मायके चली जाऊंगी मैं, तू देख तर मेरे। यार ये आगे नहीं आता यार, बस इतना ही बोल पाता हूँ मैं सुनाऊंगा ना, मैं किसी नहीं आता। सुनाओ। तू मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। ये हाँ। तू फिर वो बोलती है तू डंडा लेकर आएगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। फिर वो बोलता है मैं आ रही डंडा लेके आएगा, मैं लद्दाख चली जाऊंगी, मैं फ्लाइट बुक करवा दूंगा। फ्लाइट बुक करे आरी चलवाए, प्यार करे फ्लाइट बुक करवाए, ऐसे आशिक से डरियो, मैं लद्दाख चली जाऊंगी, तुम देखते रहे। मजेदार यार, मानते हो ना मजेदार बंदा वो। मुझे लगता है कि जब तुम आ जाते हो ना तो व्लॉग में जान आ जाती है। जब मैं एनर्जी में रहता हूँ, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो व्लॉग में कुछ जान नहीं रहती। सच कह रहा हूँ, बता मेरे साथ क्या होता है, जब मेरी नींद पूरी मैं सोचते रहता हूँ व्लॉग में ऐसे, और लोगों को लगता है ये बहुत गुस्से में होगा, लेकिन मैं सिर्फ नींद में रहता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती सही तरीके से। अभी भी तुम उसमें क्यों नहीं देखोगे ना, आधे में आकाश क्यों बैठा होगा, तुम ऐसे ही बैठे हो। मैं सुनता हूँ ना, मैं तो तुम यार गुन्ना क्यों रहे हो? किसको गुन्ना रहे थे? गुन्ना नहीं रहे थे। अच्छा, तुम ऐसे बैठे थे, मेरे तो लग रहा गुन्ना। तो अब क्या, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे प्रिया का सामान वामान। ओ भाई साहब, देखना इसकी पैकिंग में कपड़े, और जबकि इसने भिजवा दिए कपड़े तब जाके इतने पड़े हुए भाई। अरे ये इसमें से मैं पहन के जाऊंगा,
और सबको सबमिट कर रख के जाऊंगा। चलो सही है, आज मैं प्रिया को शाम को लास्ट में पैसा आइसक्रीम खिला देता हूँ, फिर 10 दिन बाद खिलवाऊंगा। इस बंदे ने मेरे को बड़े खींच खींच के रोका है, रो दिया बिल्कुल कि नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। पापा के मैंने पापा को बताया, मैं प्रिया को रोक लिया, रस्सी पता है कैसे बांध दिया था क्या प्रिया को, बांधा बांधा नहीं था, रोक दिया था, तो बोले बांध दिया था क्या प्रिया को। पता क्या करा मैंने, एक बार हम उधर से आ रहे थे, आग्रा से आ रहे थे, पकड़ो मैं बताता हूँ, तो भैया ने मुझे इतना बड़ा बैग था, भैया ने मतलब हम शिफ्ट हो रहे थे आगरा से कहीं आ रहे थे, तो तड़ा बैग था, तो भैया ने कहा कि इस बैग में जितने कपड़े आ सकते हो जितने ठूस सकती हो ले, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक कपड़ा भी नहीं जाएगा। मैंने कहा ये बैग लेके चल तू पक्का है ना, पहले तो कह रहे इस बैग में सिर्फ 4-5 कपड़े ले, मैंने कहा 4-5 से नहीं चलेगा मेरे कपड़े का, ये तो कह रहे इस बैग में जितने आ उधर ले उसके अलावा एक नहीं जाएगा। मेरे अलमारी के जितने कपड़े थे उसको छोटे 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 बना वो भारी हो गया, लेकिन ठूस ठूस गया ना सारे कपड़े भर दिए। ये बढ़िया था यार, और तब लेके गई मैं को मैं जहर मैं जा रही हूँ, तुम्हें आइसक्रीम दिला के लाया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे, कल रात को हम लोग आके आइसक्रीम मैंने प्रिया को खिलाई थी, इसके बाद फिर हम लोग आके सो गए थे और बहुत सुबह प्यारी हो रही है, और यस इट्स टाइम टू से बाय बाय टू प्रिया, अभी वो जा रही है थोड़ी बहुत देर में, और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं मतलब 10 दिन तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर कोई नहीं ये वाली बात है कि टेरिस का माइंड फ्रेश जाएगा, मैं 10 दिन बाद तो आनी आनी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, अभी हम अलग अलग हैं है ना, अपने अपने दिल को संभाल लूँगा क्योंकि आई एम अ वेरी क्या बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं थोड़ा कम, तो बस और अभी बस पुराना शेक पी के मैं पिता को छोड़ दूँगा, बस फिर उसके बाद फिर वो पहुँच जाएगी मेरठ, तो बस यही है, और आई होप तुम जल्दी आओगी, और वी सॉरी आई लव यू फॉर एवर जस्ट यू ओनली यू, एंड क्या था इंजॉय योर जर्नी, और बहुत ज़्यादा मजे करना मेरी तरफ से भी, ओके लवी, हाँ पे लवी हो गई है रेडी, ये लद्दाख जाने के लिए से बजा इंजॉय करना, ठीक है अच्छे से खुश रहना, अभी तबियत का पूरा ध्यान रखना, मेडिसिन रख ली वो दोनों, ठीक है, और पूरा अच्छे से अपना ध्यान रखना, ठीक है, और कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा लद्दाख लेने भी, ठीक है, और अच्छे से दुखी होकर नहीं जाना, एकदम खुशी खुशी जाना, इंजॉय करना अच्छी तरीके से एकदम बेहतरीन, फिर अगली बार हम दोनों चलेंगे, ठीक है, अभी तुम एक्सप्लोर कर लो जगह, फिर तुम मेरे को लेके चलना कि यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है, ठीक है ना, मजा आएगा, ओके लवी, उदास होके नहीं जाना बिल्कुल भी, खुशी खुशी जाओ है ना, ट्रिप पे जा रहा है, मेरी तरफ से भी एंजॉय कर लिए मोटू, मजे करने एकदम पहाड़ों पे, चिल्लाना आकाश आकाश आकाश, उधर से आवाज आएगी प्रिया प्रिया प्रिया, अलग अलग सॉक्स पहन के जा रहा है, मोटे स्टाइल दिखा रहा है, शूज दू ये जाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा है, चला जा चलो एंजॉय करो, जान रखियो अपना, बनाना शेक पी रहे हो, याद करोगे तुम इनको, बस तुम आ जाओगे ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी से पहले ही से रह रहा हूँ मैं, शादी भी हुई नहीं हो जाएगी 10 दिन बाद, ठीक है, मजा आ रहा है पीने में, टेस्ट क्यों रहा है बहुत, मैं वैसे पीता नहीं हूँ लेकिन टेस्टी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो मैं भी चाह रही हूँ, एक ही ऑलरेडी पी चुका है और उसके अलावा आधा और इसमें से पी रहा है, पी लो, जस्ट उतरा हूँ नीचे खड़ी हुई है, क्या कर रही थी, मैं भी अभी आया हूँ।
मटर हाजिर होगी, तो सुबह सुबह के 4 बजे से जगी थी, मेरे को फोन करके उठाया है पहले, आजा आजा। कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद घर आ गए? तो बहुत टाइम बाद ही आई है, 1.5 महीना। सही है, नहीं 1.5 महीने भी टाइम होता है भाई, ऐसे नहीं होता। थक गया यार। लाल लाल दिखे है मुझको, ओनली लाल लाल। खुद लाल है। मैं आधी लाल हूँ। कुछ बनाया तुमने? बनाया अभी चाय बना के ना पी। मैंने इतनी दूर से पता है, मैंने बोल दिया कि नींबू पानी बना लेना। बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुबह के जगह 7 बजे गई मम्मी दा। छाए तो 4 बजे की जग रही है। सोई थी। ये नहीं बताया इसने मुझे। नमस्ते कर दो, नमस्ते जी कर दो, नमस्ते जी। मेरा इतना प्यारा बच्चा हो गया है, इतना समझदार, सारे संस्कार फॉलो करता है। अरे अब तेरे पास आया। बुई के पास आए। ये तू पिला दे, यहाँ पर हो रहा है पैकिंग, मैं करवा रहा हूँ भाई। ये देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये शर्म नहीं आ रही है। हम और यहाँ पर हम पैकिंग कर रहे हैं सारा सामान, बर्तन बर्तन सब रख रहे हैं। ये सब लेके जाए ना, अब करवा दो यार पैकिंग पहले। क्या पता है, जब छाया आ जाए तब इसे बच्चों की जरूरत नहीं है। आप तो ले लिया।